बदतमीजी करने के चलते चेतन हंसराज को एलिमिनेट किया गया लॉकअप से। लॉकअप से बाहर आकर चेतन ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने करण कुंद्रा से माफी भी मांगी। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने एक बहुत ही प्यारा मैसेज भी लिखा, जिस पर करण कुंद्रा ने जवाब भी दिया। लेकिन अब चेतन के जवाब पर, करण के जवाब पर चेतन ने फिर से जवाब दिया है। तो क्या चेतन फिर से पलटी मार रहे हैं? पहले मैं आपको बता देती हूँ कि चेतन ने क्या लिखा। कल चेतन ने लगभग 4 मिनट का वीडियो जो है शेयर किया और लिखा, सॉरी करण कुंद्रा, आई एम वेरी सॉरी फॉर हाउ आई एक्टेड ब्रो। मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ और आई रियली क्रैक अंडर द प्रेशर एंड सेड थिंग्स दैट आई रिग्रेट। मैं प्रेशर में आके मैंने ऐसी चीज़ें बोल दी थी जिसको बोलकर मैं अभी भी रिग्रेट कर रहा हूँ। लव यू ब्रो एंड लव ऑल द कंटेस्टेंट इनसाइड, स्पेशली मुनव्वर फारूकी हु इज लाइक माई लिटिल ब्रो एंड वी वर बॉन्डिंग सो वेल देयर। ऑल द फैंस आउट देयर प्लीज डू फॉरगिव मी, आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी। जिस पर करण ने तुरंत जवाब दिया था कि कोई बात नहीं भाई, ये सब मत बोलो, हम लोग जो है कई बार लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, लेकिन हम फिर भी चलते रहते हैं ना, हम सभी तो ह्यूमन हैं। लव एंड रिस्पेक्ट भैया, ऑलवेज सॉरी, ये लिखा। जिस पर चेतन ने लिखा, करण लव यू ब्रो, यू टॉट मी अ लाइफ लेसन इन दिस जेल, तुमने मुझे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक जो है इस जेल में दिखाया अपने ही ब्यूटीफुल तरीके से, थैंक यू फॉर दिस, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट, लव यू ब्रो। तो इस तरीके से करण ने इस बात को माना है कि चेतन ने इस बात को माना है कि करण कुंद्रा ने उनको जिंदगी का एक खूबसूरत लेसन पढ़ाया है। तो ये बात करण ने जो है जब रिप्लाई किया तो चेतन ने इस तरीके से करण को रिप्लाई देते हुए जवाब दिया।